नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप ये क्लास के समय देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारियों के लिए, और मैं यहाँ पे आपकी तैयारियों के में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। GST जो इस समय हमारी इकोनॉमी में सबसे हॉट एरिया, या ऐसे कहें कि एक सबसे फेवरेट एरिया हमारे लॉ मेकर्स के लिए बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे मेजर और बहुत सारे माइनर अमेंडमेंट्स हैं फॉर आर नवंबर एग्जामिनेशन ऑफ CA, दिसंबर एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA। तो मैं यहाँ पे अमेंडमेंट क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड कि स्टूडेंट्स आप लोग CA के हैं, CS के हैं, CMA के हैं। मैं तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। GST जो कि फॉर मी इज अ कोर एरिया, आई एम अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड GST प्रैक्टिशनर, तो GST की प्रैक्टिस में बहुत कुछ सीखा, और साथ साथ में वो अपना एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, उसको मैं यहाँ पे अपने एकेडमिक्स के साथ को रिलेट करके आपके साथ यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि नवंबर एंड दिसंबर अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ये अमेंडमेंट की क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होंगी। दीज क्लासेस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू एंड विल हेल्प इन अचीविंग गुड स्कोर्स, नॉट ओनली गुड स्कोर्स बट टू एनहांस योर नॉलेज एज वेल। मेरे बेटा, आप सबके पास मेरी ये वाली बुक होगी शायद, ये भारत पब्लिकेशंस की बुक है, टैक्सेशन, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CA एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। मॉड्यूल 2 पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मॉड्यूल 1 जो था दैट इज मॉड्यूल 1 इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, दिस मॉड्यूल 2 इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस बुक इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 2017-2018, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पहले अगर हम लोग बात करें एक्साइज की, पुराने जमाने में बात करें VAT की, CST की, सर्विस टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी थे, और अब सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करते हुए GST आ गया, तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं मेरे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमेशा फाइनेंशियल ईयर टर्म यूज किया जाता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दो टर्म्स हमेशा यूज किए जाते हैं फॉर डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज इनकम टैक्स, बट फॉर योर इनडायरेक्ट टैक्सेस यू ऑलवेज यूज द टर्म फाइनेंशियल ईयर, सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज रिटन हियर। दिस बुक is useful for CA intermediate students, obviously new as well as old syllabus, CMA students and other specialized studies, that is we are talking about company secretary students, ye meri author ki bhi book hai aur Bharat publication se published ye book hai. Is kitab ke andar I have covered all amendments, iske andar maine sare amendments cover kiye hue hain, but still main ye chahunga कि एक बार सभी स्टूडेंट्स उन अमेंडमेंट्स को दोबारा से कर जाएं, और जो अभी हमारे पास ये वाला एक हैंडबुक है, ई बुक है, हैंडबुक है 21 पेजेस का, ये 21 पेजेस का हैंडबुक अपने पास ज़रूर रखें। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द सेंस कि आपको लास्ट मोमेंट पे जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, तो उससे जस्ट पहले आपके लिए कौन कौन से वो ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, वो आपको इन 21 पेजेस में मिल जाएंगे। एंड बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बींग अ कंपनी सेक्रेटरी एंड देन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस पर, वो ये है
कि हमारे जो एग्जामिनर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट रहता है अमेंडमेंट्स का। एग्जामिनर अमेंडमेंट्स ज़रूर 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 कवर करता है एग्ज़ाम के अंदर। चलो एग्ज़ाम में अमेंडमेंट्स ना आए एक मिनट के लिए मान लें ऐसा, पर रियल लाइफ में तो बहुत कम आएंगे। भगवान से मैं प्रे करूंगा आप सबके लिए कि आप लोग अपना नवंबर में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, दिसंबर में कंप्यूटर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, CMA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। उसके बाद आपको अपनी आर्टिकलशिप के लिए जाना होगा। जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी नई चीज़ें अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर अमेंडमेंट क्लास। आप सबके पास आप लोगों ने ये क्लासेस ज्ञानगुरुकुल.com से ली हैं या किसी और पोर्टल से अगर आपने ली हैं तो आपको ये क्लासेस के साथ साथ में डेफिनेटली आपको एक ई बुक मिली है। और ये जो ई बुक है, इस ई बुक के अंदर आपके पास सारे अमेंडमेंट्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दो रिक्वेस्ट हैं। पहला रिक्वेस्ट कि आप ये ई बुक अपने हाथ पर रखिएगा, और साथ साथ में एक दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा मैं कि इसके साथ साथ में आप एक अपना रजिस्टर अपने हाथ में रखिए, जिस रजिस्टर को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। सो यू हैव टू थिंग्स इन योर हैंड, वन इज़ योर दिस ई बुकलेट एंड द सेकेंड इज़ योर रजिस्टर, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम लोगों को जो नोटिंग करनी है हम लोग वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की नोटिंग कर सके। आइए हम लोग अपनी क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर दें। लेट मी जस्ट ओपन। तो आप अपने साथ में ये ई बुक रखिएगा, और ई बुक के साथ साथ में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि अपने पास एक अलग से रजिस्टर रखिए। हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते रहेंगे, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, बस जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। हम लोग साथ साथ में रजिस्टर के अंदर एक्स्ट्रा बातें भी लिखते रहेंगे। सो हेयर वी स्टार्ट विद ऑल अमेंडमेंट्स दैट आर रेलिवेंट फॉर आर एग्जामिनेशन, CA एग्जामिनेशन इन नवंबर, कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA एग्जामिनेशन इन दिसंबर। और मेरे बेटा सबसे पहली चीज़ मैंने यही आपको लिख के दी है कि ये जो हम लोग अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, दीज अमेंडमेंट्स विल बी एप्लीकेबल या दे आर रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ CA इन नवंबर 18, कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2018। सो नो वरीज, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपनी भारत पब्लिकेशंस की बुक दिखाई थी, इसके अंदर हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, और सभी 12 चैप्टर्स को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो उन 12 चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ज़रूर हुआ है। तो व्हाट आई हैव डन इज अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑर्डर गिवन इन दैट बुक, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स गिवन इन दैट बुक, मैंने अपने इन अमेंडमेंट्स के नोट्स को भी डिज़ाइन किया है। जैसे बुक के अंदर पहला चैप्टर है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से GST को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी क्या डेट्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस हुए, 101st अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, एंड ब्ला 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 वो सारी चीज़ें ना। उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ और ना कभी उस पर कोई चेंज होगा, क्योंकि दैट इज़ नाउ हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री बन चुका है, वो फैक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके GST इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो एक बार एक इवेंट हो गया अब उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, तो इट हैज़ बिकम एन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है दैट देर इज़ नो चेंज, ऑब्वियसली देर विल बी नो चेंज एवर इन द फर्स्ट चैप्टर, कभी भी फर्स्ट चैप्टर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट देन हो सकता है कुछ केसेस में चेंज आ जाए, जैसे वी ऑल नो कि आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है एक बात का, एवरीबडी इज आफ्टर द गवर्नमेंट,
that there must be GST on petroleum products. As of now, we all know that there is no GST on petroleum products, but in the near future, there may be a scenario where the GST is implemented on petroleum products. So, petroleum products ke upar agar GST aata hai, so in that case, there might be some changes in chapter number 1, but till that time, I don't think there will be any changes in our chapter number 1. Then we have chapter number 2 that relates to the chargeability of GST. जब मैं chargeability की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर discuss ये करते हैं कि GST कौन pay करेगा? GST हमेशा supplier pay करेगा government को. जब GST supplier pay करेगा government को, तो वो supplier कौन से rate के ऊपर pay करेगा? तो rate हमें मिलता है chapter number 2 में जाके. और साथ साथ में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता, इनफैक्ट रिसीवर जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, और इसको हम लोग बोलते हैं कांसेप्ट ऑफ आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कवर्ड आरसीएम एंड द रेट्स ऑफ जीएसटी इन माय चैप्टर नंबर 2. तो चैप्टर नंबर 2 में देयर आर सम ड्रास्टिक मेजर चेंजेस. आइए एक बार हम लोग उन चेंजेस के ऊपर नजर लगाते हैं, नजर मारते हैं कि कौन-कौन से चेंजेस हमारे पास हुए हैं व्हेन इट कम्स टू रेट्स ऑफ जीएसटी एंड व्हेन इट कम्स टू द आरसीएम ऑफ गुड्स, आरसीएम ऑफ सर्विसेज. तो जो पहला चेंज, जो पहला अमेंडमेंट हुआ, वो पहला अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी का रेट गुड्स के ऊपर. गुड्स के ऊपर जीएसटी के रेट्स को चेंज किया गया है और एक नया रेट ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज ओनली 0.1%, ओनली 0.1%. नाउ व्हाई 0.1%, इतना कम रेट क्यों? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है, कारण को हम लोग समझेंगे. पहले एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा क्या हुआ है. कुछ बातें हमें समझ आ देंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी. जो बातें समझ में नहीं आएंगी उसके लिए मैं इंटरवीन करूंगा और वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस. क्या लिखा है एग्जामिनर ने, इनफैक्ट लॉ मेकर ने, लॉ मेकर कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीटीए यूनिट्स. नाउ मैं यहां पे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डीटीए यूनिट्स के बारे में पता है. हम लोगों ने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है और इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में एक सेक्शन हमारे सिलेबस में है, सेक्शन 10AA. सेक्शन 10AA कहता है कि अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या फिर कोई एसईजेड के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट है और वो अगर गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो उनकी इनकम को हम लोग उसका इनकम का डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 10AA. वहीं पे हम लोगों ने ये बात सीखी है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो एसईजेड की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ईओयू है, अगर ये इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में अपने गुड्स को बेचती है, तो फिर हम लोग इनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस या डिडक्शंस नहीं देंगे. इनकम टैक्स के इस टॉपिक में हम लोगों ने, मैंने अपनी क्लास के अंदर डीटीए अच्छे से आपको समझाया था. वे डीटीए स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया, डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया. तो डीटीए स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया. पढ़ते हैं इसको एक बार. द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीटीए यूनिट टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर, टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर हु इज गोइंग टू एक्सपोर्ट गुड्स व्हिच हैव बीन सप्लाइड बाय डीटीए. मेरे बेटा ध्यान से समझिएगा, डीटीए के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया के अंदर कोई दुकानदार है जो एसईजेड या किसी और जगह पे कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, उसको गुड्स दे रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, रेट कैसा लगेगा? आइए एक बार जरा इसको अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन. जरा सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे. जरा सिचुएशन को बेटा बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा. लेट अस से I have tried to make Indian map. मैंने इंडिया का मैप बनाया है यहाँ पे.
एंड वी ऑल नो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे एस ई जेड एरियाज हैं, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा फेमस एस ई जेड एरियाज हैं वो एस ई जेड एरियाज आ जाते हैं नोएडा, नोएडा दैट इज इन उत्तर प्रदेश, देन वी हैव सूरत इन गुजरात, देन वी हैव कांडला इन अगेन इन गुजरात, देन बॉम्बे के अंदर वी हैव एन एरिया कॉल विले पार्ले, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो लेट मी राइट बॉम्बे हेयर, देन वी हैव इंदौर, देन वी हैव इन बंगाल वी हैव मालदा, मालदा, देन वी हैव पांडिचेरी एंड देन वी हैव विशाखापट्टनम। Then we have Vishakhapatnam. So these are SEZ areas जो कि सबसे पहले हमारे देश में बने थे। इसके बाद और भी बहुत सारे SEZ areas हमारे देश के अंदर develop हुए हैं। Now these are SEZ areas, इसमें तो हमें कोई issues नहीं है। Now let us assume कि यहाँ पे नोएडा के साथ में, बिल्कुल नोएडा के साथ में दूसरा शहर आता है दिल्ली, जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली में। और दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली शहर इज नॉट एन एस ई जेड एरिया। तो दिल्ली शहर का एक दुकानदार है जो कि गुड्स बेच रहा है नोएडा शहर के अंदर बैठे हुए एक एस ई जेड वाले मर्चेंट को। नाउ ये जो नोएडा के अंदर जो एस ई जेड एरिया के अंदर एक मर्चेंट बैठा हुआ है या एक डीलर बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, ये इस गुड्स को परचेज करके गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। नाउ अगर हम लोग 1 जुलाई 2017 से पहले की बात करें तो उस समय पोजीशन ये थी कि अगर कोई एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को परचेज कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट थी, वैट में एग्जेम्प्शन दिया जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स में फॉर्म एच अगर होता था तो उसमें सीएसटी चार्ज नहीं होता था, इस प्रकार से टैक्सेस की एग्जेम्पशंस थी। लेकिन 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो जीएसटी में सरकार ने कहा कि ऐसे सभी केसेस में हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। कौन से केस है, दिल्ली का कोई डीलर, दिल्ली का कोई सप्लायर, एस ई जेड फॉर एग्जाम्पल नोएडा का कोई रिसिपियंट जो एस ई जेड में बैठा हुआ है उसको गुड्स दे रहा है, जहाँ पे नोएडा का रिसिपियंट उन गुड्स को बाहर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा, तो ऐसे सिचुएशन में पहले एग्जेम्पशंस होते थे लेकिन जीएसटी आने के बाद एग्जेम्पशंस नहीं दिए गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो नोएडा के अंदर बैठा हुआ एक्सपोर्टर है अब इसको गुड्स परचेज करने के टाइम पे जीएसटी पे करना होगा। एक बार वो जीएसटी पे करेगा, गुड्स परचेज करेगा, गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा तो बाद में सरकार की तरफ से जीएसटी का पैसे रिफंड आएगा। नाउ वी ऑल नो कि जीएसटी हैज बिकम वन हेल ऑफ अ जॉब व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टर्स। रिफंड्स में बहुत देरी हुई, रिफंड्स प्रॉपरली गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं हुए अभी तक। अभी वी आर इनटू द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त 2018, अभी तक रिफंड से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि साहब आप लोगों के ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, हम लोगों को आपने मार दिया। जब हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं तो गुड्स को परचेस के टाइम पे हमें बड़ा हैवी जीएसटी पे करना होता है, बाद में आप उसको रिफंड कर देते हैं लेकिन वो रिफंड का प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है और वो आता भी बहुत देरी से है, दैट रिजल्ट्स इन ब्लॉकिंग ऑफ आवर फंड्स। एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट से कहा प्लीज हेल्प अस, गवर्नमेंट ने भी इस बात का ध्यान रखा और गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशंस में गुड्स के ऊपर जीएसटी का रेट ड्रास्टिकली कम कर दिया and that is only 0.1%. So a special benefit has been given to the exporters.
Now you must have understood why such a low rate. अगर ये low rate ना होता तो लोगों का exporters का बहुत huge funds जो है वो block हो जाएगा. तो वो funds block ना हो इस वजह से सरकार ने इतना late या इतना low GST का rate रखा है. हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इसको पूरे ही exempt कर देना चाहिए था. 0.1% भी एक substantial amount बन जाता है. जब करोड़ों रुपए का export होता है तो उस करोड़ों रुपए के एक्सपोर्ट का 0.1% जो है वो लाखों रुपए बन जाता है. तो लाखों रुपए भी अटक जाना वो भी बहुत बहुत पिंच करता है कई बार. तो पूरा एग्जाम कर दिया जाता तो दैट वुड हैव बीन बेटर. बट स्टिल दिस सिनेरियो इज बेटर देन द प्रीसीडिंग सिनेरियो जहाँ पे जीएसटी फुल रेट पे चार्ज हो रहा था. अब आपको ये समझ आएगा. अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा. नाउ लेट अस रीड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय DTA यूनिट. तो DTA का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख देना. DTA स्टैंड फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया या डोमेस्टिक, वैसे तो डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया ही बोलते हैं इसे. लिख लीजिएगा डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया. डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया कई लोग इसे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वैसे डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया होता है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया सप्लाई ऑफ गुड्स बाय DTA यूनिट्स, दैट इज कोई भी ऐसा यूनिट जो SEZ में नहीं है, टू अ मर्चेंट एक्सपोर्टर हु इज गोइंग टू एक्सपोर्ट गुड्स विच हैव बीन सप्लाइड बाय DTA. एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाया वो लिखा भी हुआ है. मर्चेंट एक्सपोर्टर डू नॉट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बट दे बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA या टेरिटरी एरिया टू एग्जीक्यूट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. तो इनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती लेकिन ये सिर्फ गुड्स को खरीदते हैं. DTA में जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं वहां से गुड्स को परचेस करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं. इन प्री GST एरिया ईरा द मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एक्साइज ड्यूटी VAT CST ऑन परचेज ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड. अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई. इन सबको एग्जेम्पशन दिया जाता था. सबको सरकार ने कहा था कि हम आपसे GST चार्ज नहीं करेंगे. उसके बाद इनफैक्ट एक्साइज VAT CST चार्ज नहीं करेंगे. ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST द फैसिलिटी ऑफ परचेज ऑफ गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड. मेरे बच्चे GST लगने से विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस डिसकंटिन्यू हो गया. दैट मीन्स अगर उनको कोई गुड्स परचेस करने हैं तो गुड्स परचेस करने के लिए उनको डेफिनेटली GST पे करना ही पड़ेगा. इसका रिजल्ट क्या हुआ ध्यान से पड़ेगा. वट हैज बीन द रिजल्ट फॉर दिस. कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट ये हुआ दैट दे फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ कैश क्रंच ड्यू टू बाइंग गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ GST फॉर एक्सपोर्ट एंड देयर हार्ड कैश हैज बीन हेल्ड अप विच हैज कंस्ट्रेंड या स्ट्रेंड देयर वर्किंग कैपिटल एंड हैज इंक्रीज देयर कॉस्ट. कीपिंग दिस सिचुएशन इन माइंड गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द रेट ऑफ GST टू 0.1% सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सच सम कंडीशंस. अब ये कंडीशंस क्या हैं वो कंडीशंस हम लोग फाइनल में जाके पढ़ेंगे. वो फाइनल के में जाके करेंगे. इस लेवल पे हमें कंडीशंस पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हमारे पास अमेंडमेंट नंबर 2 है जहाँ पे आपको अगर याद हो अगर आपने पहले पढ़ा हो तो वो अच्छा होगा और आपके लिए रिलेट करना बड़ा आसान होगा. जब हम लोग पहले की बात कर रहे थे अमेंडमेंट के पहले की बात कर रहे थे तो डायमंड्स के ऊपर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स के ऊपर 3% का GST चार्ज किया जाता था. देर वॉज GST रेट ऑफ 3% बट नाउ गवर्नमेंट हैज सेड वी वोंट बी चार्जिंग 3% एंड गवर्नमेंट ने GST के रेट को कम कर दिया एंड हैज मेड द रेट एट ओनली 0.25%. सो एक वेलकम स्टेप है जहाँ पे जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ज्वेलर्स हैं डायमंड इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए रेट्स को काफ़ी कम कर दिया है.
उसके साथ साथ में मेरे बेटा विद कंटिन्यूअस प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पे सरकार बार 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 अपने चेंजेस लेके आ रही है, कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड्स, कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमीज, कीपिंग इन माइंड द सोसाइटीज और बहुत सारी और फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज इन्होंने किया है. व्हेन वी से प्लेन चपाती एंड प्लेन रोटी, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रोटी बेची जाती है उसके ऊपर जीएसटी का रेट पहले 18% जा रहा था, जिसको उन्होंने कम करके 5% कर दिया है. नाउ देयर हैज बीन रीजन टू इट. वी ऑल नो कि जो जीएसटी का रेट रेस्टोरेंट्स के ऊपर है उसको सरकार ने घटा दिया और वो रेट घटा के गवर्नमेंट ने कर दिया है एज 5% ओनली. अर्लियर जो रेस्टोरेंट्स हैं इवन देवर पेइंग जीएसटी ऑन एट द रेट ऑफ 18% और इनको आईटीसी मिलता था, लेकिन अब विदाउट अलाउिंग एनी काइंड ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट ने रेट ऑफ जीएसटी को कर दिया है 5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स. नाउ अगर रेस्टोरेंट्स वाले कोई रोटी दे रहे हैं, रोटी सप्लाई कर रहे हैं, प्लेन चपाती सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रेट 18% ना हो, उसका रेट भी 5% हो, अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट किया इस वजह से 5%. इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है खाखरा. अब खाखरा इज बेसिकली पैक्ड रोटीज जो होती है और गुजरात साइड पे बहुत फेमस रहता है ये. दीज आर द पैक्ड रोटीज, ड्राई रोटीज, पैक्ड रोटीज, जिसको आप आराम से एज अ स्नैक की तरह यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसका भी 5% कर दिया. अनब्रांडेड नमकीन, देखिए नमकीन भुजिया वगैरह, एक तो आप ऐसे मान लीजिए मिक्सचर्स की बात करें तो ऐसा मान लीजिए एक तो हल्दीराम का मिक्सर आता है बाजार में और एक अदरवाइज लोकल मिक्सचर्स, ओपन मिक्सचर्स आते हैं जो कि आपको कुछ ग्राम्स कुछ किलोस के हिसाब से बाजार में अवेलेबल हो जाते हैं. तो यहाँ पे ब्रांडेड मिक्सचर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अनब्रांडेड नॉन ब्रांडेड मिक्सचर्स भुजियाज की बात हो रही है. गवर्नमेंट ने उसका रेट कम करके 5% कर दिया है. सो दिस इज अगेन गुड कंसेप्ट, वेरी वेरी गुड कंसेप्ट, जहाँ पे जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उसका रेट को कम कर दिया विद सर्टेन कंडीशंस कि ये ऐसे हों जो कि किसी यूनिट कंटेनर में ना बिकते हों. ये ऐसे हों जो किसी यूनिट कंटेनर में ना बिकते हों, इसका मतलब कि पैक्ड फॉर्म में ना बिकते हों, ये लूज फॉर्म में बिकते हों, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहाँ पे जीएसटी सर्विसेज के ऊपर इन्होंने सर्विसेज के रेट्स को कम कर दिया. एक कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें अमेंडमेंट नंबर 4, दैट इज जॉब वर्क रिलेटेड टू टेलरिंग. अब यहाँ पे मन में एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये है कि साहब जॉब वर्क क्या होता है. पहले तो हम लोग ये समझे कि जॉब वर्क क्या होता है. दोस्तों जॉब वर्क सीए के सिलेबस में तो नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, फाइनल में पहुंच जाएंगे. फाइनल में जाके हम लोग जॉब वर्क के बारे में बहुत डिटेल में बातों को सीखेंगे समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि इस समय हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा हुए कुछ सीखने के लिए, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ. ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल अपने साथ को रिलेट करके दे रहा हूँ. इस समय मैंने एक ऑरेंज सी शर्ट पहनी हुई है, ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है और ऑरेंज कलर की शर्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलर्स लगे हुए हैं, शर्ट पे कॉलर है. आपको बता देता हूँ शर्ट्स के ऊपर जो कॉलर्स होते हैं, या फिर लेटेस्ट अगर मैंने फुल स्लीव की शर्ट पहनी होती तो यहाँ पे कफ बने होते. तो शर्ट्स के ऊपर जो कफ होते हैं, शर्ट्स के ऊपर जो कॉलर्स होते हैं, ये कॉलर्स और कफ बनाने का तरीका, प्रोसेस, सिस्टम बिल्कुल अलग होता है व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ शर्ट. शर्ट बनाने का तरीका अलग रहता है, कॉलर बनाने का तरीका अलग रहता है, कफ बनाने का तरीका अलग रहता है, मशीनरी इसकी बिल्कुल अलग होती है. एक और बात, शर्ट के ऊपर बटन्स लगे हुए हैं, बटन्स के लिए वो होल होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काज, काज. तो काज बनाने का, वो होल बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल तरीका अलग होता है, उसकी मशीनरी अलग होती है, उसकी इक्विपमेंट अलग होती है.
Now let us say मैं shirts बनाने वाला हूँ, मैं shirts का manufacturer हूँ, लेकिन मेरे पास collar बनाने की machinery नहीं है, लेकिन आपके पास collars और cuff बनाने की machinery है, और आपका एक दोस्त है जिसके पास shirts का काज बनाने की machinery है और button सिलने की भी machinery है, तो मैंने क्या किया, मैंने shirt बनाई और शर्ट के साथ में मैंने शर्ट का कपड़ा आपको दे दिया और आपको कहा कि भाई आपके पास जो मशीनरी है उस मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए कॉलर बना देना और कॉलर बना के शर्ट के ऊपर अटैच करके शर्ट मेरे को वापस कर देना। आपने ऐसे ही किया, आपने शर्ट के ऊपर कॉलर बना दिया, कफ बना दिया, शर्ट के ऊपर अटैच कर दिया, वो शर्ट मेरे को आपने वापस कर दिया। फिर वो शर्ट मैंने आपके दूसरे दोस्त को दे दिया जिसके पास काज दैट इज होल बनाने की मशीन है और साथ साथ में बटन लगाने की मशीन है। तो जब उसने काज बना दिया, उसने बटन लगा दिया, तो उसके बाद उसने वो शर्ट मेरे को वापस कर दिया। नाउ इन दिस होल सिस्टम आई एम अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर बिकॉज शर्ट बिलोंग्स टू मी। आप लोगों ने मेरे को सिर्फ सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जहां पे आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने कॉलर बना दिया, कफ बना दिया, और आपके दोस्त की बात करूं तो उसे काज बना दिया और उसके ऊपर बटन लगा दिया। नाउ यू बिकम अ जॉब वर्कर, आपको हम बोलेंगे जॉब वर्कर। तो आप हैं जॉब वर्कर जिन्होंने काम किया और काम करके वो शर्ट आप वापस मेरे को लौटा देंगे, एंड आई एम अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जहां पे शर्ट मेरी है और मैं उस शर्ट को बाजार में बेच के अपना पैसा कमाऊंगा। जो काम आपने किया उस काम के लिए मैं आपको कुछ पैसा पे करूंगा, ऑब्वियसली बात है आपको फ्री में काम तो करेंगे नहीं। दिस होल सिस्टम इज व्हाट वी कॉल द सिस्टम ऑफ जॉब वर्क। मेरे बेटा यही सारी बातें मैंने जॉब वर्क से रिलेटेड यहाँ पे लिखी हुई हैं, अभी आपको मैं पढ़वाऊंगा, मैंने आपको समझा दिया उससे पहले। नाउ पहले पोजीशन ये थी कि टेलरिंग की केस में जो जॉब वर्क था उसमें 18% का जीएसटी लग रहा था, विच वॉज वेरी हाई। दैट मीन्स आपने कफ एंड कॉलर बनाने के लिए जो भी मेरे से पैसा चार्ज किया उसके ऊपर 18% का जीएसटी है। आप ऐसे जॉब वर्कर मेरे से 18% का जीएसटी चार्ज करेंगे, मेरे लिए वो इनपुट बन जाएगा, ठीक है मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू, बट आप 18% का जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया गवर्नमेंट का, नहीं 18% का जीएसटी इज ऑन द हायर साइड, हम लोग सिर्फ 5% का जीएसटी रखेंगे इन केस ऑफ जॉब वर्क रिलेटेड टू टेलरिंग। आइए मेरे बेटा इसको पढ़ते हैं, जॉब वर्क रिलेटेड टू टेलरिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीएसटी ऑन सर्विसेज जॉब वर्क रिलेटेड टू टेलरिंग, जीएसटी का रेट सिर्फ 5% रखा है सरकार ने, कम कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत 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 अच्छी बात है। जॉब वर्क मीन्स, अब मैंने जॉब वर्क को समझाया भी है, जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी प्रोसेस है, डन बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन जो ये काम करेगा उसे हम लोग बोल रहे हैं जॉब वर्कर। तो हमारे एग्जाम्पल में आप जॉब वर्कर थे। On the goods belonging to another registered person, आप treatment कर रहे हैं, आप further processing कर रहे हैं on the goods which belong to me, shirts मेरी हैं, उन shirts के ऊपर आप collar लगा रहे हैं, processing कर रहे हैं आप। The ownership of the goods does not transfer to the job worker, but it rests with the principal manufacturer. जो goods की ownership है वो मेरे पास ही रहेगी, मैं ownership आपको नहीं दे रहा, लेकिन हाँ आप सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। द जॉब वर्कर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप जॉब वर्कर हैं। द जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेसेस स्पेसिफाइड बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ऑन द गुड्स विच हैव बीन सप्लाइड बाय हिम। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या काम करना है, आपने कफ्स के ऊपर लगाने हैं, आपने कॉलर्स लगाने हैं, मैंने आपके दोस्त को कहा काज बनाना है, बटन लगाना है, तो यू पीपल आर अ जॉब वर्कर, आई एम अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कीपिंग द प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ इनपुट्स ऑफ कैपिटल गुड्स सेंट फॉर द जॉब वर्क लाइज विद द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। तो इसकी सारी अकाउंटिंग मैंने करनी है एज अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, कौन सा सामान मैंने किसको दिया,
कब दिया, कब वो सामान वापस आया, वो सारी की सारी चीज़ें संभाल मैंने करनी है, अकाउंटिंग उसकी मैंने करनी है। याद रखिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि एज अ जॉब वर्कर आप वो सारा सामान मेरे को वापस करेंगे। कितने टाइम पीरियड में वापस करेंगे ध्यान से पड़ेगा बेटा, कितने टाइम पीरियड में आप सामान मेरे को वापस करेंगे जिसकी वजह से मैं एज अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंट टू द जॉब वर्कर आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड, आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड टू द प्रिंसिपल विद इन वन ईयर इन केस ऑफ इनपुट्स एंड विद इन थ्री ईयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर। तो बेटा अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स, कोई मशीनरी भी अगर आपको दी है, जॉब वर्कर को दी है, तो वो मशीन मेरे पास वापस आ जानी चाहिए 3 साल के अंदर अंदर। और अगर उसके अलावा मैंने कोई किसी प्रकार के कोई इनपुट्स दिए हैं, कोई सामान अगर मैंने आपको दिया है, जैसे मैंने शर्ट्स आपको दी हैं, कपड़ा मैंने आपको दिया है जॉब वर्क करने के लिए, तो वो सामान मेरे पास वापस आ जाना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ITC ले पाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं ITC क्लेम नहीं कर पाऊंगा। साथ साथ में मेरे बेटा कुछ और अमेंडमेंट्स, जैसे रेस्टोरेंट्स और काउंटर सेल ऑफ फूड आइटम्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज में वी ऑल हैव बीन सो हैप्पी दैट रेस्टोरेंट्स के केस में GST का रेट कम कर दिया, 5% कर दिया। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड न्यूज़, दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। रेट 5% हो गया, बहुत गलत हुआ। यहाँ पे नो ITC विल बी अलाउड, नो ITC विल बी अलाउड। नाउ आई एम रियली फ्यूरियस, मैं बहुत बहुत गुस्से में हूँ अपनी सरकार से। आई एम रियली फ्यूरियस व्हेन इट कम्स टू दिस कंसेप्ट, व्हेन इट कम्स टू दिस प्रिंसिपल, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि भाई जब आप ITC अलाउ कर ही नहीं रहे तो GST का फिर पर्पस क्या हुआ। वी ऑल हैव बीन स्टडिंग वन थिंग टाइम एंड अगेन कि GST आने से लोगों का फायदा हुआ, GST आने से लोगों का फायदा ये हुआ कि स्ट्रीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ी GST के लिए, सब बकवास, सब झूठ साबित होता है व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। सरकार ने रेस्टोरेंट्स वालों को कहा कि हम आपको कोई ITC अलाउ नहीं करेंगे, तो रेस्टोरेंट्स वालों ने कहा ठीक है, अगर आप ITC अलाउ नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इनपुट टैक्सेस हैं वो इनपुट टैक्सेस की वजह से आर कॉस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि हमें उसका आउटपुट में से सेटअप नहीं मिलेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो सभी रेस्टोरेंट्स ने अक्रॉस इंडिया ITC ना मिलने की वजह से ITC का अमाउंट या इनपुट टैक्स का अमाउंट, इनपुट GST का अमाउंट अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर ऐड कर दिया और सभी रेस्टोरेंट्स ने अपने रेट्स को बढ़ा दिया। जहां पे कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपए का मिल जाता था, अब वो 120 रुपए का बेच रहे हैं, 125 रुपए का बेच रहे हैं। GST का रेट 5% हो गया, पहले क्या था कि 100 के ऊपर 18% और अब 125 के ऊपर 5%। आप खुद अंदाजा लगा लो, समझदार स्टूडेंट हो, जब ITC नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे, अब वो कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया तो कॉस्ट के अंदर ऐड करके आपका रेट 5% है, स्टिल वो 5% का रेट भी हैवी पड़ जाता है क्योंकि ऑलरेडी इनपुट टैक्स कॉस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। सो दिस इज अ रियली रियली बैड एंड अ सैड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड विच आई पर्सनली वॉन्ट एंड अपील टू द गवर्नमेंट कि भाई इसको हटाओ, ये बेवकूफियाँ मत करो, अदरवाइज GST के सारे प्रिंसिपल्स डिफीट हो जाएंगे अगर ITC को अलाउ नहीं किया गया। गवर्नमेंट का भी मानना है, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हम तो ITC अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि रेस्टोरेंट्स वाले चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठाना ढमकाना। तो चोरी चकारी रोकने के कोई और तरीके निकालिए, पर ITC ना देना तो पूरे GST के सिस्टम का जो बैकबोन है उसी को डिफीट कर देने के बराबर है। बट देन अभी हम लोग यहाँ से आगे चले, अमेंडमेंट नंबर सिक्स में हमारे पास कुछ रेट्स में बदलाव हुआ है, ये
ये जो मेन बदलाव है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। अगर हम लोग किसी होटल की एकोमोडेशन की बात करते हैं, किसी प्रकार के गेस्ट हाउस की बात करते हैं, किसी क्लब्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पसेस के लिए रहा जाता है, रहना खाना पीना क्या सुविधाएं मिलती हैं और रूम का रेंट चार्ज किया जाता है 2500 रुपये या उससे ज़्यादा, लेकिन 5000 रुपये से कम। अब इस 2500 और 5000 रुपये के बीच में अगर रूम का रेंट है और साथ साथ में होटल इंडस्ट्री है, गेस्ट हाउस है, क्लब्स हैं, तो GST का रेट 18% कर दिया है। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, अम्यूजमेंट फैसिलिटीज अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, जॉय राइड्स वाटर पार्क्स में जाते हैं, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर आप वाटर पार्क्स में जाते हैं या फिर आप जॉय राइड्स पर जाते हैं, गो कार्टिंग्स पर जाते हैं, तो इन सब का रेट गवर्नमेंट ने घटा के 18% कर दिया है। पहले 28% रेट चार्ज हो रहा था, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 18%, अ गुड न्यूज़, बट स्टिल अभी भी इट्स ऑन द हायर साइड। एक और इसके अंदर चेंज है, वो चेंज कुछ इस प्रकार से है कि जो होटल्स हैं, जो 5-star होटल्स हैं, जो लग्जरी होटल्स हैं, वहाँ पे इन्होंने लोगों के ऊपर ज़्यादा मार मारी है। सरकार ने कहा कि जो लग्जरी से अफोर्ड कर रहे हैं और वो GST भी पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो 28% का GST का रेट रखा है। ये GST का रेट 28% कौन से केस में होगा? उस केस में होगा जहाँ पे रूम का रेंट 5000 या 5000 रुपये से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। मेरे बेटा याद रखिएगा, पहले यहाँ पे कंसेप्ट था कि अगर रूम का रेंट 7500 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 28% लगेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 7500 नहीं, 5000 से ज़्यादा है तो हम लोग चार्ज करेंगे 28% का रेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा लोगों को 28% की कैटेगरी में कवर कर दिया है। साथ साथ में जो एंटरटेनमेंट इवेंट्स, एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एग्जीबिशन ऑफ मूवी फिल्म्स, कैसिनोज, रेस कोर्सेज, स्पोर्ट्स इवेंट्स सच एज IPL और इस प्रकार के, और अगर आप IPL देखने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, मैचेस देखने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, तो उसके मैच की टिकट के ऊपर जो GST चार्ज होगा वो 28% चार्ज होगा, अगेन विच इज़ ऑन द हायर साइड। बट देन गवर्नमेंट सेज इफ यू कैन अफोर्ड टू वॉच अ मैच ऑन अ क्रिकेट स्टेडियम तो डेफिनेटली हम आपसे ज़्यादा GST चार्ज करने वाले हैं। लग्जरी मारा है सरकार ने कहा मत जाओ स्टेडियम में, घर पे बैठो TV के सामने देख लो, दैट इज़ बेटर देन गोइंग टू सिनेमा, गोइंग टू क्रिकेट ग्राउंड। मेरे बेटा चार्जेबिलिटी की ही बात अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो चार्जेबिलिटी में RCM ऑन गुड्स, आप सबको अच्छे से याद है कि बहुत सारे केसेस में गुड्स के ऊपर RCM अप्लाई होता है। जैसे एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल रिकॉल करवाऊं, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई अपना सेकंड हैंड या स्क्रैप जैसा सामान बेच रही है तो उस केस में RCM अप्लाई होता है, और जो भी स्क्रैप डीलर उसको परचेज कर रहा है गवर्नमेंट से, वो उसके ऊपर RCM के हिसाब से GST पे करेगा, दैट इज़ RCM ऑन गुड्स। इसी कैटेगरी में सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया इस साल एक नया कंसेप्ट, दैट इज सेल ऑफ या सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। व्हेन वी से सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन, तो सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन से हमारा मतलब है बिल्कुल वो कॉटन जो खेतों में उगाई जाती है, फसल, जब कॉटन की फसल उगाई जाती है तो वो जो कॉटन की फसल है, वो जो धान है जिसके ऊपर अगर आप इमेजिन कर सके तो इस तरह सा एक धान होगा जिसके ऊपर कॉटन बॉल उगती है, लाइक दिस देयर इज अ स्टेम हेयर और उसके ऊपर एक गोल आकार सा कुछ ऐसा बना होता है जिसके ऊपर कॉटन की बॉल सी होती है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल रॉ कॉटन। नाउ ये जो रॉ कॉटन है, ये रॉ कॉटन उगा कौन रहा है, इसकी कल्टिवेशन कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी कल्टिवेशन एक फार्मर कर रहा है, एक एग्रीकल्चरिस्ट कर रहा है, और बेचेगा भी वही, सप्लाई भी वही करेगा। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट, जो फार्मर इसको सप्लाई कर रहा है, वो बन जाता है सप्लायर।
Now farmers, ज्यादातर farmers की अगर मैं बात करूं across India, तो उनका turnover 20 लाख रुपए से कम होगा पूरे साल का, पहली बात। दूसरी बात, अगर चलो मान लो 20 लाख से ज्यादा का turnover भी है, तो farmers are not very highly educated। उनको अगर हम लोग कहें कि साहब GST की रिटर्न मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करो, टैक्स की पेमेंट हर महीने करो, रिटर्न क्वार्टरली सबमिट करो, और उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज 50 तरह की हैं वो सारी मेंटेन करो, और वो भी सारे काम ऑनलाइन करने हैं, तो बेचारा फार्मर ये सारे काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज लो एजुकेटेड, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने कहा भाई फार्मर के ऊपर हम लोग इतना बोझ डाल दें, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, और वो हमें पता है कि नहीं कर पाएगा पूरा, तो फिर फार्मर के ऊपर से इसका बर्डन हटाओ, और बर्डन डाल दो उस व्यक्ति के ऊपर जो फार्मर से परचेज करेगा ये कॉटन। जो रजिस्टर्ड पर्सन इस फार्मर से कॉटन परचेज करेगा, वो कॉटन परचेज क्यों कर रहा है? बड़ी ऑब्वियस बात है, वो कॉटन परचेस कर रहा है धागा बनाने के लिए, और धागे से फिर कपड़ा बनता है, और कपड़े से फिर आगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक नॉर्मल रॉ कपड़ा, और रॉ कपड़े से फिर जो पहनने वाले कपड़े हैं वो बन जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने कहा कि जो व्यक्ति फार्मर से कॉटन खरीदेगा, वो धागा बनाने के लिए खरीदेगा, उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा, उम्मीद है। साथ साथ में उम्मीद इस बात की भी है कि वो थोड़ा सा ज्यादा, वो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा एज कंपेयर टू द फार्मर। इस वजह से सरकार ने RCM लगा दिया, और सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति गुड्स खरीदेगा फार्मर से, उस व्यक्ति को हम लोग कवर करेंगे GST के लिए, और वो व्यक्ति इसके ऊपर पे करेगा GST अंडर द कंसेप्ट ऑफ RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स का आया, रॉ कॉटन का आया, जहां पे फार्मर GST पे नहीं करेगा, बीइंग द सप्लायर द रिसीवर विल पे GST एज अ रिसिपिएंट। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से हम लोग लिख लें, ताकि चीजें हमारे लिए थोड़ी सी बेटर हो जाए। जल्दी से एक एग्जांपल लिख लेते हैं, रजिस्टर अपने पास निकाल के रखिएगा, और अमेंडमेंट का नंबर जरूर डाल देना। दिस इज अमेंडमेंट नंबर एट। तो मैं आपको अमेंडमेंट नंबर 8 से रिलेटेड यहां पे एग्जांपल करवा रहा हूं, अच्छे से करना मेरे बच्चा। एग्जांपल लिख लीजिएगा बढ़िया से, मिस्टर ए इज अ फार्मर एंड ग्रोज की जगह भी कल्टीवेट्स लिख देना, दैट विल बी बेटर वर्ड। अगर आप कल्टीवेट लिखेंगे तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, बेटर वर्ड होगा। एंड कल्टीवेट्स कॉटन ऑन हिज फील्ड, एंड कल्टीवेट्स कॉटन ऑन हिज फील्ड, ही सप्लाइज this raw cotton to PQR limited, which uses the raw cotton to make thread. In this case, Mr. A is supplier, but not liable to GST. PQR Limited, which is the receiver, PQR Limited, which is the receiver, will be liable to GST
under concept of under the concept of RCM, that is reverse charge mechanism. लो मेरे बेटा, तो RCM का concept इस प्रकार से, RCM on goods का concept इस प्रकार से हमारे पास आ गया. ये नया amendment आया है, इसको करके जाना है, छोड़ना नहीं है. हो सकता है examiner एक नंबर का, दो नंबर का ये concept पूछ ले. So RCM on goods we have covered. Now it we have turned to cover RCM on services. आइए जरा देखें RCM on services कौन-कौन से cases में इन्होंने RCM on services इंट्रोड्यूस किया है. दोस्तों हम सबको ये बात बहुत बहुत अच्छे से पता है कि letting out of building, किसी भी building को किराए पे दे देना उसको service माना जाता है. अगर ये building residential building है और ये building residential building है और residential purposes के लिए let out किया गया है तो फिर उसको हम लोग GST में कवर नहीं करते हैं और उसके ऊपर हमें exemptions और साथ साथ में कुछ छूट मिल जाती है. exemptions हैं उसके ऊपर exemptions मिल जाती हैं. लेकिन अगर building commercial है या letting out का purpose commercial है तो फिर उस केस में GST चार्ज होता है. अब बात यहां पे ये आती है कि मान लो अगर बिल्डिंग की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है फिर क्या करें. अब मन में यहां पे क्वेश्चन आ गया कि यार क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग की ओनरशिप हो. हां बिल्कुल पॉसिबल है. कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जमीन वगैरह हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है. मैं आपको उसका उदाहरण देकर बताता हूं. पॉसिबल ऐसे है कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि आप जहां पे भी रहते हैं, हिंदुस्तान के जिस भी शहर में रहते हैं, आपके घर के पास, आपके शहर में आपके घर के पास कोई ना कोई बारात घर जरूर होगा जो कि लोकल अथॉरिटी ने बनाया होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कम्युनिटी सेंटर भी बोलते हैं, विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ लोकल अथॉरिटी. या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शहर के अंदर बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जहां पे पंडाल लगा के, टेंट लगा के फंक्शंस या शादी ऑर्गेनाइज की जाती है. तो बेटा क्या कहीं पे भी पंडाल लगा ले, कहीं पे भी टेंट लगा ले अपनी मर्जी से? आंसर इज नो. उसके लिए अगेन हमें लोकल अथॉरिटी से, उसके लिए अगेन हमें स्टेट गवर्नमेंट से उसके अप्रूवल्स लेने होते हैं. और क्या गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल फ्री में दे देगी? अगेन आंसर इज नो. लोकल अथॉरिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उसके लिए हमसे रेंट चार्ज करती है. इसी प्रकार से बारात घर या कम्युनिटी सेंटर्स के लिए लोकल अथॉरिटीज हमसे रेंट चार्ज करते हैं. मैं दिल्ली की बात करता हूं. दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं विच आर ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी. ऑडिटोरियम्स ओन्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, ऑडिटोरियम्स ओन्ड बाय DDA, ऑडिटोरियम्स ओन्ड बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट. तो अगर आपको उन ऑडिटोरियम्स के अंदर, ऑडिटोरियम्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको उन ऑडिटोरियम्स के अंदर कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं, लेट अस से किसी कंपनी ने अपना AGM ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर उस पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उनको रेंट पे करके आप डेफिनेटली अपने फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नाउ हियर कम्स अ कांसेप्ट. द सप्लायर इज अ लोकल अथॉरिटी. इन आवर एग्जांपल, मैं अगर अपने एग्जांपल से बात करूं, द रिसीवर इज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है. तो RCM वो GST तो लगेगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए है. लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे RCM लगा देंगे और GST की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी. GST की पेमेंट विल बी मेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन which is taking the property, immovable property on rent. आइए बेटा इसको जरा एक बार पढ़ते हैं. This is amendment number 9. Be very very careful. Mark this as important. Even though इससे related एक question already हमारे exam में मई examination में आ चुका है, but still November exam में repeat हो सकता है. ध्यान से पढ़ेंगे इसे हम लोग. Letting out of immovable property by the government. Letting out of
immovable property by the government. Immovable property can be land, it can be building. Land भी हो सकती है, building भी हो सकती है. Service supplier कौन है? Service supplier जो होगा, वो होगा central government. It can be the state government, it can be the union territory, it can be the local authority. Receiver कौन होगा? Receiver can be any registered person. Service कौन सी है? Service है immovable property के renting. और RCM लगेगा, rate क्या रहेगा? 18% का रहेगा. RCM है and GST is payable by the registered person. RCM, GST payable. GST payable is by the supply, the service receiver on RCM basis. आपके May 2018 के exam में 3 number का question आया था. उस क्वेश्चन को विद अमेंडमेंट मैंने मॉडिफाई कर दिया है. जरा इसको ध्यान से पढ़ेगा मेरे बेटा. जो ओल्ड सिलेबस था, उस ओल्ड सिलेबस में 3 number का ये वाला क्वेश्चन आया था. बी वेरी वेरी केयरफुल. स्टेट विद रीजन अ पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. तो 3-4 केसेस दिए हुए थे मैंने, उसमें से अपने काम का जो केस है वो उठाया है सिर्फ. अज्यूम द रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. Rental income is received by, now be careful beta, rental income is received by, rental income kisko mil raha hai? Rental income is received by Tamil Nadu state government from renting of immovable property to Manappan Private Limited, a company having a turnover of 22 lakh rupees in the preceding financial year. Mere beta, be very very careful. Agar is pure example ki agar hum log baat karein, तो सप्लायर कौन है? सप्लायर इज स्टेट गवर्नमेंट. अगर इस पूरे एग्जांपल की बात करें तो रिसीवर कौन है? रिसीवर इज मनप्पन प्राइवेट लिमिटेड. अब क्योंकि मनप्पन प्राइवेट लिमिटेड का पिछले साल का टर्नओवर दिया हुआ है 22 लाख रुपीस, तो आई हैव अ लिबर्टी टू अज्यूम दैट इट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. एंड सर्विस रिसीवर बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम के प्रोविजन लगेगा और जीएसटी पे करेगा सर्विस रिसीवर दैट इज एम प्राइवेट लिमिटेड. जीएसटी पे नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी पे करेगा एम प्राइवेट लिमिटेड. नीचे आंसर में भी यही बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ेगा बेटा. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी टैक्सेबल सर्विसेज अंडर आरसीएम. तो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम. इन द गिवन केस सर्विस इज गिवन टू द मनप्पन प्राइवेट लिमिटेड विच हैज टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड दस इट कैन बी अज्यूम दैट इट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड हेंस कंपनी इज लायबल टू पे. ध्यान देना क्या लिखा है, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज दैट इज आरसीएम. के हिसाब से कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी, नो इश्यूज एट ऑल. कंपनी ने जीएसटी तो पे करना ही करना है आरसीएम के हिसाब से. उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. मैं एक बार जल्दी से इंश्योरेंस एजेंट की पूरी बात आपको समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एक बार अमेंडमेंट देख ले कौन सा है. दिस इज अमेंडमेंट नंबर 10. अगर आप अमेंडमेंट नंबर 10 को समझना चाहते हो तो एक बार ध्यान से यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा मेरे बेटा. लेटर से यहाँ पे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ. लेटर से यहाँ पे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक. दिस इज योर फिगर, दिस इज यू, दिस इज मी. हम लोग कोई भी हो सकते हैं. दिस इज यू, दिस इज मी. और हम लोगों को लेट अस अज्यूम LIC से अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है. वी वॉन्ट टू टेक LIC पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम LIC. अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग डायरेक्टली चले जाएं LIC के पास, LIC के किसी ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके बोले कि साहब LIC की कोई अच्छी सी पॉलिसी हमें समझा दीजिए. अगर हमें समझ आ जाती है तो हम लोग LIC की पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. LIC बीइंग अ सरकारी कंपनी एंड वी ऑल नो सरकारी कंपनी का माहौल कैसा होता है. कोई ढंग से आपको इज्जत नहीं देगा, ढंग से बात नहीं करेगा, आपको ढंग से एंटरटेन नहीं करेगा,
you feel bad, you will feel frustrated. So what nowadays we all want is ki bhai sari suvidhaen hame ghar pe mil jaye. So here comes a role of LIC agent. Ye ek LIC agent hai. Ye LIC agent, ye LIC agent hai. Ye LIC agent ab aapke ghar pe aayega aur ghar pe aapke aapko sari policy ki details samjha dega. So he will tell you the policy details. He will tell you the policy details. Agar aap khush hue, agar aapko sari baatein samajh aa gayi, to aap isko check handover kar doge. Aap ise check handover kar doge insurance premium ka. Aur ye aage further jaake check deposit karega LIC ke paas, jiske wajah se LIC aapko policy issue kar dega. Aise hone wala, ye pura ka pura kahani aise chalega. Now ab is puri kahani ke andar baat yahan pe ye aa jati hai ki bhai is LIC agent ka kya fayda hua. ध्यान देना, ये जो LIC एजेंट है, ये LIC एजेंट LIC को दे रहा है सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ एक्सपेंडिंग या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बढ़ाने की सर्विसेज दे रहा है, जिसकी वजह से LIC इस एजेंट को देगा कुछ कमीशन. ठीक है जी. अब इस पूरी कहानी में ये जो एजेंट है ये बन जाता है सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर, और LIC बन जाता है रिसीवर. LIC बन जाता है रिसीवर. नाउ इमेजिन करो सिचुएशन कि ऐसे एजेंट कोई एक दो चार पांच तो होंगे नहीं पूरे इंडिया में, ऐसे एजेंट तो होंगे लाखों की तादाद, लाख्स एंड लाख्स ऑफ एजेंट्स आर देयर अक्रॉस इंडिया. अब ये जो लाखों एजेंट है, अगर सरकार इनको बोले कि भाई तुम सब एजेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ GST में, तो सोचो कि नंबर ऑफ SSC कितने ज्यादा हो जाएंगे, तो सरकार के लिए काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. दूसरी बात, उन लाखों में से और लाखों एजेंट ऐसे होंगे जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम होगा, स्पेशल स्टेटस में 10 लाख से कम होगा, जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं होगी. तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ ह्यूज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इफ दे इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म एंड दे स्टार्ट चार्जिंग GST फ्रॉम दिस एजेंट. तो गवर्नमेंट ने यहां पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया RCM का, और गवर्नमेंट ने कहा कि LIC के ऊपर हम लोग लगा देंगे RCM, और LIC विल बी लायबल टू पे GST एज पर RCM प्रोसीजर. फेयर इनफ, कोई इश्यूज नहीं है. दो बातें यहां पे याद रखिएगा. पहली चीज, मैंने LIC सिर्फ एक उदाहरण लिया है, इट कैन बी एनी इंश्योरेंस कंपनी. तो मैं यहां पे LIC हटा दूं, मैंने यहां पे LIC हटा दिया और मैं यहां लिख देता हूं इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है. फेयर इनफ. अब आ गई एक सबसे बड़ी समस्या. सबसे बड़ी समस्या ये है कि साहब ये LIC एजेंट कौन होता है, किसको बोलेंगे LIC एजेंट, हु इज दिस LIC एजेंट. अब ये समस्या क्यों आई, ध्यान से सुनना. आप सबने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, policybazaar.com नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है. टीवी पे ऐड भी बहुत आती है, और policybazaar.com के अलावा भी और बहुत सारे पोर्टल्स हैं. ये सभी पोर्टल्स क्या करते हैं, ये पोर्टल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर सभी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को इकट्ठा कर देते हैं और हर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को कंपेयर करते हैं फीचर्स के हिसाब से.
कंपनी ए की पॉलिसी में ये सारे फीचर्स हैं, कंपनी बी की पॉलिसी में ये सारे फीचर्स हैं, कंपनी सी की पॉलिसी में ये सारे फीचर्स हैं, कंपनी ए का ये प्रीमियम है, बी का ये प्रीमियम है, सी का ये प्रीमियम है, और लोगों को कहती है फीचर के हिसाब से आप खुद देख लो कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है। तो policybazaar.com एक पोर्टल बन गया जहां पे अलग अलग पॉलिसीज का कंपैरिजन हो रहा है और वो पॉलिसीज बेच भी रहे हैं, और policybazaar.com ने आगे इन सभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई भी किया हुआ है। नाउ द इशू इज कि अगर policybazaar.com के थ्रू अगर कोई पॉलिसी बिकती है जिसकी वजह से policybazaar.com को कोई कमीशन मिलती है, तो वेदर policybazaar.com विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट, क्या उसको इंश्योरेंस एजेंट मानेंगे, क्या वहां पे आरसीएम लगेगा, क्या उसको एजेंट माने और क्या वहां पे भी आरसीएम लगेगा। नाउ इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। सरकार ने इस बार एक अच्छा काम कर दिया और सरकार ने यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट्स के केस में क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब अमेंडमेंट कहाँ पे है वो ध्यान से देखिएगा। अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं है कि ये आरसीएम है या नहीं है। आरसीएम तो है, ये तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन अमेंडमेंट है यहाँ पे। अमेंडमेंट है यहाँ पे कि इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट को डिफाइन किया है। ये कहते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट कौन होगा। इंश्योरेंस एजेंट को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया इन्होंने। कहा जीएसटी के अंदर इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन दी और इन्होंने कहा कि साहब एजेंट कौन होगा। इन्होंने कहा एजेंट कौन है, इंश्योरेंस एजेंट शैल हैव द सेम मीनिंग विच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो जीएसटी में इन्होंने कहा कि अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट की परिभाषा सीखनी है तो जाओ इंश्योरेंस एक्ट पढ़ो। इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 2 में जो इंश्योरेंस एजेंट लिखा हुआ है वो इंश्योरेंस एजेंट माना जाएगा। अच्छा जी, अब चलो जरा इंश्योरेंस एक्ट में चलते हैं, जरा वहां देखते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट की परिभाषा क्या लिखी हुई है। सेक्शन कहता है, इंश्योरेंस एक्ट कहता है, इंश्योरेंस एजेंट मींस एन इंश्योरेंस एजेंट हु हैज बीन लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 हु रिसीव्स और एग्रीज टू रिसीव द पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू कॉन्टिन्यूशन रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द इंश्योरेंस। भाई सीधी सीधी सी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस को प्रमोट कर रहा है जिसके बदले में उसको कमीशन मिल रही है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है। एज प्रेजेंट अब जरा सोचो, क्या policybazaar.com बिजनेस प्रमोट कर रहा है? आंसर इज यस, बिजनेस प्रमोट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी का। क्या policybazaar.com को उसके बदले में कमीशन मिलती होगी? ऑब्वियसली मिलती होगी भाई, क्यों नहीं मिलती होगी। तो क्या हम policybazaar.com को एजेंट कह सकते हैं? सरकार ने कहा यस, अगर वो सेक्शन 42 के हिसाब से एजेंट की डेफिनेशन में आ रहा है तो वो एजेंट माना जाएगा। और यहीं पे मैंने अपनी तरह से उसका एग्जांपल आपको बना के दे दिया। policybazaar.com जो है वो एक प्रकार का ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहां पे बहुत सारी कंपनीज को वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहा है और एक सर्विस रिसीवर, एक कॉमन मैन को और इंश्योरेंस कंपनी को आपस में मिला रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। अगर policybazaar.com ई कॉमर्स ऑपरेटर को एजेंट माना गया तो फिर आरसीएम भी लगेगा, और अगर एजेंट नहीं माना गया तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो ये अब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्जामिनर को कि क्या उसे एजेंट माना गया या नहीं माना गया। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आपको अजम्पशन लेना होगा कि क्या policybazaar.com जो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है या ऐसे और बाकी के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं क्या वो एजेंट हैं सेक्शन 42 के हिसाब से। अगर हाँ वो एजेंट है तो फिर आरसीएम भी लगेगा, अगर वो एजेंट नहीं है सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से तो फिर आरसीएम भी अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस एजेंट एंड policybazaar.com एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर।
मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कोरिलेट कर दिया है। मेरे बेटा साथ साथ में ध्यान रखिएगा, सप्लाई का जो चैप्टर है, सप्लाई के चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है। जहाँ पे डेफिनेशन आती है सप्लाई की, और सप्लाई की इस डेफिनेशन में देर इज नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज सप्लाई की डेफिनेशन में या सप्लाई के कंसेप्ट में नहीं किया गया है। जो सप्लाई से रिलेटेड नेगेटिव लिस्ट है, उस नेगेटिव लिस्ट के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आप चैप्टर नंबर 3 में जाके रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एंड देर इज नो अमेंडमेंट एट ऑल इन चैप्टर नंबर 3 एज वेल। मैंने अपनी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, विच इज रिलेटेड टू एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, और एग्जेम्पशंस के अंदर तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। लेट अस स्टार्ट विद अमेंडमेंट नंबर 11। जरा टाइटल को बहुत ध्यान से पढ़ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, दिस इज गोइंग टू बी टफ। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो मेरे बेटा यहाँ पे टू वर्ड लिखा हुआ है, आपको इस टू वर्ड का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे टू वर्ड है, तो टू वर्ड इंडिकेट क्या करता है, टू वर्ड इंडिकेट करता है दैट दिस इज द रिसीवर। जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो सर्विसेज रिसीव कौन कर रहा है, सर्विसेज रिसीव कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। एंट्री नंबर 3 में अमेंडमेंट हुआ है, क्या अमेंडमेंट है ध्यान से समझेगा। यहां पे लिखा हुआ प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विसेज अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। प्योर सर्विसेज का मतलब है ऐसा काम जहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व है, कोई मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सर्विसेज आर इन्वॉल्व, नो काइंड ऑफ मटेरियल इज इन्वॉल्व। लेट अस से कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के काम में सिर्फ सर्विसेज होती है, कोई मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर सरकार की तरफ से मेरे को ठेका मिल गया सड़क बनाने का, तो मैं सड़क बना रहा हूं, उसमें लेबर भी इन्वॉल्व है और साथ में मटेरियल भी इन्वॉल्व है। मेरे बेटा ध्यान देना, सड़क बनाने के काम को प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिर्फ एक ऐसा काम जहां पर सिर्फ सर्विसेज है, कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा। बी केयरफुल, प्योर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू, प्योर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू, जो कि दी गई हैं, किसको दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं तो एग्जेम्प्ट, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं एग्जेम्प्ट, यूनियन टेरिटरी को दी गई हैं एग्जेम्प्ट, लोकल अथॉरिटी को दी गई हैं एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी गई हैं तो एग्जेम्प्ट। पिछले एग्जाम तक, मई एग्जामिनेशन तक हमारे पास ये 5 पॉइंट्स थे, और इस साल का, इस बार का अमेंडमेंट देख लीजिए, इन्होंने नया वर्ड ऐड कर दिया कि अगर सर्विसेज किसी गवर्नमेंट एंटिटी को दी गई हैं प्योर सर्विसेज, तो वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होंगी। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि साहब ये गवर्नमेंट एंटिटी क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट एंटिटी। तो सरकार ने गवर्नमेंट एंटिटी को डिफाइन कर दिया, गवर्नमेंट एंटिटी को डिफाइन कर दिया सरकार ने, कहा गवर्नमेंट एंटिटी मींस एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और अ कॉरपोरेशन विच हैज बीन सेट अप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर या विच हैज बीन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट विद 90% और मोर ऑफ द इक्विटी होल्डिंग। मेरे बच्चे रिकॉल करो, आप सबने नाम सुना हुआ है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट बाय पासिंग स्पेशल एक्ट बाय द गवर्नमेंट। तो सेबी बिकम्स अ गवर्नमेंट एंटिटी। ऐसे ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, जहां पे गवर्नमेंट के पास 90% या 90% से ज्यादा का इक्विटी होल्डिंग है, तो उसको भी गवर्नमेंट एंटिटी कहा जाएगा।
इवन दैट विल बी रिगार्डेड एज अ गवर्नमेंट एंटिटी. तो मेरे बेटा गवर्नमेंट एंटिटी अगर सर्विसेज ले रहा है, अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी सर्विसेज ले रहा है, लोकल अथॉरिटी ले रहा है, यूनियन टेरिटरी ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है, और वो सर्विसेज प्योर सर्विसेज हैं. प्योर सर्विसेज कौन सी, किससे रिलेटेड, बी वेरी वेरी केयरफुल, किससे रिलेटेड. वो प्योर सर्विसेज होनी चाहिए रिलेटेड टू, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल, रिलेटेड टू एनी फंक्शन विच हैज बीन एंट्रस्टेड टू द पंचायत अंडर आर्टिकल 234G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच हैज बीन इंट्रस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी. इंट्रस्टेड का मतलब होता है सौंप देना. मेरे बेटा सरकार खुद सारे काम तो कर नहीं सकती. अगर आप सोचो कि सारे काम नरेंद्र मोदी खुद कर लेगा, सारे काम पीयूष गोयल एज अ फाइनेंस मिनिस्टर खुद कर लेगा, सारे काम अर्बन प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो खुद कर लेगा, सारे काम रेलवे मिनिस्टर खुद कर लेगा, वो पॉसिबल नहीं है. या सारे काम रेलवे मिनिस्ट्री खुद कर लेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे काम खुद कर लेगी, पॉसिबल नहीं है. तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये अपने काम को फर्दर डेलीगेट कर देते हैं, एंट्रस्ट कर देते हैं, सौंप देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं. किसको काम डेलीगेट कर देते हैं, पंचायत को काम डेलीगेट कर देते हैं म्युनिसिपैलिटी को. तो सरकार के वो काम जो सरकार ने पंचायत को डेलीगेट कर दिए, सरकार के वो काम जो सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डेलीगेट कर दिए, उन कामों से रिलेटेड अगर कोई प्योर सर्विसेज की कोई सर्विस है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है एंट्री नंबर 3 में. अगर वो सर्विसेज दी गई है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी. ठीक है जी. अब मन में प्रश्न ये आता है कि सरकार ने कौन सी सर्विसेज पंचायत को डेलीगेट कर दी, सरकार ने कौन सी सर्विसेज या कौन से काम ऐसे हैं जो पंचायत को दे दिए और कौन से काम ऐसे हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिए. उससे रिलेटेड मेरे बेटा मैंने यहाँ पे कुछ लिख के दिया है आपको. मैंने आपको कहा कि सी द अटैचमेंट नंबर 1, आप अटैचमेंट नंबर 1 देखिएगा विच इज गिवन विद दिस फाइल फॉर द फंक्शंस विच हैज बीन इंट्रस्टेड टू द पंचायत एंड विच हैज बीन इंट्रस्टेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो एक बार हम लोग इस फाइल के बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं. आपके पास लास्ट पेज है, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आ रही है. मैंने आपको पेज नंबर 18 पे लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे दी है और उस लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने कौन कौन से काम डेलीगेट कर दिए पंचायत को, कौन कौन से काम डेलीगेट कर दिए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. और अगर आप ध्यान से देखें तो लिस्ट बना के मैंने आपको दी हुई है. आपने इस लिस्ट को याद नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. तो लिख देना यहाँ पे नीड नॉट लर्न बट ओनली फॉर रेफरेंस कि सरकार ने कौन कौन सा काम पंचायत को दे दिया, सरकार ने कौन कौन सा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया. इंट्रस्टेड का मतलब होता है डेलीगेट कर देना. ठीक है जी. तो आई हैव गिवन यू द एक्सटेंसिव लिस्ट. ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है एंड यू मस्ट अप्रिशिएट कि हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली सारे अमेंडमेंट्स को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं. एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को, फिर ये फर्स्ट क्लास हम लोग वाइंड अप कर देंगे. अमेंडमेंट नंबर 12, 12वां अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं. टोटल 52 अमेंडमेंट्स हैं, 12th अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं विच इज अगेन सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मेरे बेटा अब आपको कॉम्पोजिट का मतलब तो बहुत अच्छे से आता है. कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड. कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड. ऐसे सर्विसेज, ऐसे एक्टिविटीज जहां पे गुड्स भी इन्वॉल्व हैं, जहां पे सर्विसेज भी इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में बात हो रही है. दोज एक्टिविटीज वेयर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ आर इन्वॉल्व. याद रखिएगा,
इससे पहले जब हम लोगों ने एंट्री नंबर 3 की बात करी थी, ये एंट्री नंबर 3 था। एंट्री नंबर 3 में प्योर सर्विसेज की बात हो रही है, दैट मींस ओनली सर्विसेज की बात हो रही है। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने नया एंट्री इंट्रोड्यूस किया, एंट्री 3A अमेंडमेंट है, दिस इज अ न्यू एंट्री। और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट मींस सर्विसेज के साथ में गुड्स भी हैं, तो एंट्री 3 में बात हो रही थी ओनली सर्विसेज और एंट्री 3A में बात हो रही है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, दोनों की बात हो रही है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू। मेरे बेटा ध्यान देना, जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू का दो टुकड़े कर दे तो उस टोटल वैल्यू के अंदर गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, गुड्स की वैल्यू होगी 25% या 25% से कम, और सर्विसेज की वैल्यू होगी 75% या 75% से ज़्यादा। 75% या 75% से ज़्यादा, तो यहाँ लिख देता हूँ सर्विसेज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% एंड गुड्स आर लेस देन और इक्वल टू 25%। तो ऐसी कंपोजिट सप्लाई ऑफ या कंपोजिट वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट रखा है, उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ जाता है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा अगर गुड्स 25% से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है फिर उस केस में एग्जेम्प्शन नहीं होगा, वहाँ पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, नॉट मोर का मतलब हो गया 25% या 25% से कम, ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेट कॉम्पोजिट सप्लाई विच आर प्रोवाइडेड टू। तो अगेन बेटा ध्यान देना, यहाँ पे प्रोवाइडेड टू आ रहा है, दैट मीन जो रिसीवर है वो रिसीवर कौन है, रिसीवर कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब वही जो मैंने अभी आपको दो मिनट पहले बताया था। और साथ साथ में ये जो कॉम्पोजिट सप्लाई है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई कौन सी होगी, कॉम्पोजिट सप्लाई वो होगी जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो एक्टिविटी आगे पास ऑन कर दी है किसी पंचायत को या पास ऑन कर दी है किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया आज की फर्स्ट क्लास अमेंडमेंट्स की, हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं। और अमेंडमेंट्स की सेकेंड क्लास में हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, we'll have short classes of 1.5 hours or 2 hours of each duration, and we will keep on moving like this, and we expect to wind up in our 3 classes. 3 classes ke andar main aapko ye sare ke sare amendments cover up karwa dunga. We have covered the first class, we are still left with 2 classes. 2 classes bhi hamari aur hongi, in 2 classes ke andar hum log apne amendments ko sara ka sara cover up kar lenge. Till the time, I meet you in the next class. Bye bye. Take very good care of yourself. Koi doubt agar aapko isme aaya ho, you are most free to call me up aur mere se aap doubts pooch sakte hain. Till the time, bye bye.